गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है रितु शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ UPRTU। और आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो कोर्स का टाइटल है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोग्राम का नाम है BEd SE और कोर्स का कोड है BEd Special Education 01। इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से हैं जो स्क्रीन पे हैं। अब हम ग्रोथ के बारे में और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। एक मनुष्य के जीवन में जब वो जन्म लेता है उससे पहले तभी से उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। जब वो माँ के पेट में आता है, जन्म लेता है, दुनिया में आता है, उससे पहले ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग पता चलता रहता है कि कितना ग्रोथ हो रही है बच्चे के, कितना डेवलपमेंट हो रहा है। और ये संकेत होता है इस बात का कि हमारे जो ग्रोथ है और हमारा जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल है। तो कॉन्सेप्ट ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मोस्ट पीपल यूज द टर्म्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटरचेंजेबली एंड एक्सेप्ट दैम एज सिनोनिम्स, बट इन रियलिटी द मीनिंग्स ऑफ दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि ये जो दो टर्म है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम हमेशा इसे एक साथ यूज करते हैं और एक साथ ही बोलते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये जो दो टर्म है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो एक ही है। लेकिन ये समानार्थी शब्द नहीं है, ये इनका मतलब अलग अलग है। अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे या ये देखेंगे कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। मीनिंग ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम। इट इंक्लूड्स चेंज इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन एंड जनरल फिजिक। इससे बात पता चलती है कि जो ग्रोथ का मतलब है वो फिजिकल इंक्रीज, मतलब शरीर में जो भी जिसी शरीर में वृद्धि, शरीर में बढ़ोतरी, वो और वो बढ़ोतरी जिसे हम क्वांटिटी में समय के साथ साथ वो बढ़ोतरी होती रहती है। इसमें इंक्लूड है, उसमें जो इंक्लूड चेंज है वो है हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन यानी कि लंबाई, वजन, और जो शरीर का जो दो अनुपात होता है वो, और जो टोटल ओवरऑल जो फिजिकल अपीयरेंस है वो इसके अंदर आता है। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस भी दिए हैं कुछ राइटर्स ने, जैसे हर लोग ने ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू हर लोग, चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ न्यू वंस। तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ में होता ये है कि साइज में एक बॉडी, क्योंकि स्टार्टिंग से जब व्यक्ति का अस्तित्व आता है उसका साइज बहुत कम होता है, तो जो साइज है वो टाइम के साथ बढ़ता चला जाता है। बॉडी का जो अनुपात है उसमें चेंज होता है, और जो पुराने जो लक्षण है वो लुप्त हो जाते हैं और जो नए लक्षण है वो आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उनमें बदलाव होता रहता है समय के साथ साथ। अब क्रो एंड क्रो जो ने 1962 में इसके बारे में एक डेफिनेशन दी है, ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल अपीयरेंस। ग्रोथ से हमारा मतलब है जो आकार और शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यहाँ पे हम उससे लेते हैं। अभी हमने देखा कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, परिमाण में यानी क्वांटिटी मेजर होती है। अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, उसका मतलब क्या है और के डेफिनेशंस। तो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल प्रोसेस रेफर टू क्वालिटेटिव चेंजेस इन ऑन द ऑर्गेनिज्म एज होल। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल अकर्स। डेवलपमेंट में की जो प्रोसेस होती है वो क्वालिटी, उसमें ओवरऑल चेंजेस मेजर होते हैं, यानी कि क्वालिटी चेंजेस जितने भी बॉडी के, मनुष्य के जितने भी, उसमें शारीरिक, मानसिक, हर तरह के चेंजेस आ जाते हैं। डेवलपमेंट एक होल है, ग्रोथ उसका एक छोटा सा पार्ट है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस विच फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल
कर उसमें सा ये सारे लक्षण आते हैं इज अ वाइडर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म देन ग्रोथ। तो ये ग्रोथ से कहीं ज़्यादा बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। ग्रोथ भी इसका एक पार्ट है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ग्रोथ के बिना भी ये पॉसिबल होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रोथ नहीं हो पाते, हाइट नहीं बढ़ रही, वेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे इमोशंस में, हमारे इंटेलेक्चुअल्स में विकास होता रहता है। इसके बिना भी ये चलता है। डेफिनेशंस। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू स्किनर। तो डेवलपमेंट है एक ऐसी प्रोसेस है जो जन्म के साथ से स्टार्ट होती है और वो मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। क्रमिक और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि हमने देखा था कि जो वृद्धि है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्रो एंड को 1965। डेवलपमेंट इज कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशंस। तो डेवलपमेंट का जो कंसर्न होता है वो ग्रोथ तो होता ही है उसमें। ग्रोथ क्योंकि हमने अभी बात की है कि ग्रोथ उसका एक पार्ट है, लेकिन उसके अलावा जो चेंजेस होते हैं वो बिहेवियर के जो भी चेंजेस होते हैं वो एनवायरमेंटल सिचुएशन के, यानी कि जो हमारा एनवायरमेंट से या वातावरण से जो भी हमारी अंतःक्रिया होती है उसकी वजह से जो हमारे बिहेवियर में, हमारी जो पर्सनैलिटी में हमारा इंटेलेक्चुअल या फिर जो भी चेंजेस आते हैं वो डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे, वैसे तो हम हमेशा बात जैसे करते रहते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम टर्म मानते हैं, लेकिन उसमें कुछ बहुत डिफरेंस है और अब हम उस अंतर या डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। अब ग्रोथ क्या है? ग्रोथ रेफर्स टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ग्रोथ में फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं वही उसका मापन होता है, लेकिन डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल। तो मनुष्य में जितने भी प्रकार के चेंजेस होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भाषा से संबंधी हो, चाहे वो सांवेगिक हो, हर तरह के जो भी, चाहे वो नैतिक हो, सामाजिक मूल्य, सामाजिक विकास, वो सब हमारे डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। ग्रोथ को परिमाण के रूप में यानी कि नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे वेट, हाइट, ये सब, और क्वालिटी डेवलपमेंट में क्वालिटी अलोंग विद क्वांटिटेटिव, इसमें बोथ होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्योंकि एक बहुत बड़ा है पार्ट है, एक एज अ होल मेजर होता है। क्योंकि डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। अभी हमने जैसे बात की थी कि जो वृद्धि है वो पूरी लाइफ नहीं चलता है, वो जन्म से और जब तक हम मैच्योरिटी, हमें मैच्योर हो जाते हैं तब तक, एडल्टहुड तक चलती है, उसके बाद ये ग्रोथ यानी कि वृद्धि बंद हो जाती है। लेकिन विकास जो है पूरी लाइफ चलता रहता है, जब से आप जन्म लेते हैं और ये मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। क्योंकि हम जैसे सीखते रहते हैं वैसे हमारी मैच्योरिटी आती रहती है और हमारा जो विकास है वो होता रहता है। स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन। देखिए ये ग्रोथ आफ्टर मैच्योरेशन ये रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो प्रोग्रेसिव है वो लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जब तक हमारा जीवन है, जब तक व्यक्ति का जीवन है या जब तक जीव का एक जीवन है तब तक वो चलता रहता है, लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑकर्स ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। ग्रोथ डेवलप सेल्स के मल्टीप्लीकेशन के मतलब उसके बढ़ते रहने से लगातार ग्रोथ बढ़ती रहती है, होती रहती है चल। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है ऑकर्स ड्यू टू बोथ मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। डेवलपमेंट होता है वातावरण से हमारा जो परस्पर अंतःक्रिया होती है उनके कारण होता है, हम उसके कारण हमारे अंदर जो मैच्योरिटी आती है उसकी वजह से डेवलपमेंट होता है। दोनों में ये अंतर है। वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट होता है क्योंकि डेवलपमेंट एक बहुत का एरिया होता है जिसमें ग्रोथ एक छोटा सा पार्ट होता है।
और डेवलपमेंट वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जिसमें ये सब सब आते, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब आ जाते हैं। डिस्क्राइब द ग्रोथ डिस्क्राइब द चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी बिहेवियर एंड ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ यानी कि वृद्धि जो डिस्क्राइब करती है, उसके कुछ आयाम है, कुछ पर्टिकुलर विशेष आयामों को ही शो करती है एक व्यक्ति के जो शरीर के या बिहेवियर के किसी पर्टिकुलर आयाम को। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म एज अ होल। ये व्यक्ति के डेवलपमेंट, व्यक्ति के जितने भी आयाम, जितने भी विकास होते हैं, वो एज अ होल वो बताती है। सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटेटिव एंड ऑब्जर्वेबल इन नेचर। इसका ग्रोथ का जो मेजरमेंट है वो बहुत इजी होता है, मेजरेबल होता है, बहुत आसानी से आप देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति की हाइट बढ़ रही है, उसका वेट में वृद्धि हो रही है, ये एक डायरेक्ट आप मेज़र कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव, इसमें जो डेवलपमेंट है उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपके इमोशंस में कौन से चेंजेस हुए, या फिर आपके मानसिक, शारीरिक और भी जो भी चेंजेस होते हैं, भाषा में विकास, उसके लिए आपको आप डायरेक्ट एकदम नहीं बता सकते हैं, आप उसे एकदम मेज़र नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा मुश्किल है, डायरेक्ट नहीं होता है। जैसे क्वालिटेटिव चेंजेस विच आर डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली टू मेजर ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट बनाए गए हैं जिनके थ्रू हम, जैसे साइकोलॉजी में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनसे मेजर करते हैं ह्यूमन बिहेवियर्स। लेकिन ग्रोथ के लिए, उसके लिए हमें अलग से टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो मेजर हो जाता है इजीली। अब हम उसके, जैसे हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे बच्चा जन्म लेता है उससे तब से, और उसके कुछ माइलस्टोन्स होते हैं तब से वो वृद्धि होती है किस तरह से, तो लेकिन उसके कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम बता पाते हैं कि कितना उसने में वृद्धि हुई, कितना विकास हुआ। एक पर्टिकुलर है जिसके अकॉर्डिंग ये सेट है पैटर्न, तो उसके कुछ स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला स्टेज है प्रीनेटल स्टेज, जो कंसेप्शन से बर्थ के टाइम तक रहता है। उसके बाद आता है स्टेज ऑफ इन्फेंसी, जिसका टाइम होता है 0 to 3 years। ठीक, तो इसके इसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, शारीरिक, मानसिक, जैसे भाषा का विकास होता है उसमें शारीरिक विकास होता है, वो उसका पर्टिकुलर होता है कि बच्चा भाषा कितना बोल सकता है, कुछ वर्ड्स बोल सकता है, और कितना उसके मेंटल विकास होता है, ये सारे विकास होते हैं। उसके बाद जो स्टेप्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ता चला जाता है, वो सामाजिक नहीं होता है, उसका कंसंट्रेशन अपने ऊपर होता है, बाहर वालों से उसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। लेकिन ये 3 years तक होता है। उसके बाद आता है चाइल्डहुड स्टेज, जो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है 4 to 6, जिसे हम बोले, जिसने प्री चाइल्डहुड स्टेज बोला जाता है। उसके बाद आता है पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, जो है 7 to 12 साल तक। तो इसकी भी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं जिसे मेजर करते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषा के विकास, कुछ नैतिक विकास, ये एज के अकॉर्डिंग होते रहते हैं। फिर आता है एडोलसेंस, जो जिसका टाइम पीरियड है 13 to 19 साल, और एडल्टहुड जो 20 से और हम मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। अब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो आयाम है, विभिन्न आयाम है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से अब तक कितनी बार बताया कि वो शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, मोरल एंड कैरेक्टर, ये सब इसमें आते हैं, या सामाजिक, भाषा से रिलेटेड, ये सब उसके आयाम हैं, और ये पर्टिकुलर एज के साथ साथ वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हम बात करें तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, वैसे वो हम इसके बारे में, ये ग्रोथ से रिलेटेड है ज़्यादातर, क्योंकि हमने पहले बात की है कि डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है ग्रोथ, तो ये दोनों में आ जाते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट, जो आता है फिजिकल डेवलपमेंट में वो एज के अकॉर्डिंग वो बढ़ता चलाता है बच्चा, और हम
0 to 2 years, या फिर उसके बाद 2 to 7 years उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, उसका एक सेट पैटर्न है। उसके बाद आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें स्मृति आ जाती है, क्या ये अवधान या क्रिएटिविटीज का एक पार्ट है। तो और इसके बारे में करी दी है जेन पियाजे ने, बहुत ही फेमस थियरी है, और उसमें बताया गया है कि किस तरह से बच्चा किस तरह से डेवलप्ड होता है। जैसे सबसे पहला स्टेज उन्होंने दिया है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग 0 to 2 years, वो सेंसरी मोटर स्टेज है बच्चे की, जिसमें बच्चा अपने जितने भी अपनी बातें हैं, जितना वो कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेट करता है अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से, या फिर अपने आसपास वाले लोगों से जो अपनी बातें पहुंचाना चाहता है, वो सिर्फ रोने से, हाथ पैरों से हिलाने से, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज है, मतलब वो मोटली सेंसरीज के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करता है। उसके बाद जो स्टेज आती है वो है 2 to 7 प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे का कॉन्सेप्ट होते हैं उतने क्लियर नहीं होते हैं, वो चीज़ों को देख के, उन्हें उन पे इशारा करके, या फिर उनके में तार्किकता इतनी नहीं होती है, जैसे कि वो निर्जीव और सजीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, और कोई बदल बदल के नहीं सोच पाता है। जैसे कि अगर 2 जगह की दूरी है तो या एक जगह से दूसरे जगह की दूरी है, वो फिर वो रिवर्स में ये नहीं सोच पाएगा कि वहाँ से आगे दूरी भी तो नहीं होगी। तो ये चीज़ें वो धीरे 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 करके डेवलप होती हैं, जो 2 to 7 years के लास्ट तक वो डेवलप कर लेता है। और मैथ्स में भी अगर उसे बर्तन अगर बढ़ा दिया जाए, लंबाई और चौड़ाई का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, दूरी और पास का बहुत कॉन्सेप्ट नहीं होता है, रीजनिंग का बहुत कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो ये लेट प्री ऑपरेशनल स्टेज तक धीरे धीरे डेवलप हो बच्चा कर लेता है। फिर उसके बाद आता है कॉन्क्रीट स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि उसकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, वो समझने लगता है चीज़ों से कि दूरी का रीजन करने का सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट उसे क्लियर हो जाता है, वो मैथ्स में हर चीज़ में क्लियर कर लेता है। फिर उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है 11 से 15 साल तक। इसमें बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है, उसकी जो थिंकिंग पावर, उसके लिए उसे किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है कि किसी चीज़ को देख के वो बता पाएगा, समझ पाएगा, वो एक उसकी क्रिएटिविटी बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाती है, तो वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। फिर इसके बाद हम बात करें, ये स्टेजेस हो गई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इसके बाद हमारे स्टेज आते हैं इमोशनल इमोशन डेवलपमेंट। बच्चे में एज के वाइज, जैसे स्टार्टिंग में उसके इमोशंस, उसे पता नहीं होता कैसे उसे अपने इमोशंस शो करने हैं। 2 साल तक बच्चे के इमोशंस, वो गुस्सा करना और बाहर वालों को अपना दुश्मन माना, ये उसके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, सेल्फ सेंटर्ड होता है और गुस्सा अपना। लेकिन जैसे जैसे उसमें वृद्धि होती रहती है और उसका माइंड डेवलप होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके इमोशंस अपने कंट्रोल करना, कहाँ पे शो करना है, कहाँ पे नहीं शो करना है, ये सब वो सीखने लगता है। फिर उसके बाद आता है मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक जो विकास होता है वो उसका स्टार्टिंग में नहीं होता है, लेकिन स्टार्ट में धीरे धीरे करके जो एडल्टहुड तक वो पहुंचता है तो उसके नैतिक विकास होने लगता है। ये चरित्र उसे पता चलता है कि हमारे समाज से रिलेटेड जो भी वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, वो उसमें पता चलते हैं और वो उसके उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर वो बिहेव करता है। फिर उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। इन्फेंट या फिर जो शिशु होता है उसे वो पूरी तरह से असामाजिक होता है, उसे सामाजिक सिर्फ माँ, उसकी जो दुनिया होती है वो सिर्फ माँ बाप तक सीमित रहती है, उससे आगे कि उसके खिलौने सिर्फ उसके लिए हैं, सारी चीज़ें सिर्फ उससे रिलेटेड है, माँ बाप उसके हैं, बाहर के उसे किसी किससे कोई मतलब नहीं होता, बस अपना खाना पीना। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उसे विकास होता है, इन्फेंट से उसे 2 to 7 years वो और वृद्धि होती है, उसमें विकसित होता है, तो वो एक उसके बाद जो एज बताई जाती है वो होते हैं ग्रुप एज। उस ग्रुप एज में आने के बाद वो बाहर घर से बाहर निकलता है, लोगों से मिलता है और अपने एक
फ्रेंड्स बनाता है माँ बाप से ज्यादा, जो इससे पहले एज में माँ बाप से वो ज्यादा कनेक्ट रहता है, लेकिन उसके बाद जो ग्रुप एज होती है वो उसमें वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। और जब एडोलसन की बात करें तो वो पूरी तरह से फ्रेंड सर्कल में रहना शुरू कर देता है, उसे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स से ज्यादा उसके जो हितेशी हैं, उसके दोस्त हैं, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ घूमना और हर चीजें वो अपने दोस्तों से शेयर करना शुरू कर देता है, लेकिन और उनका एक सोसाइटी का एक पार्ट बन जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग में जो बच्चा इन्फेंस शिशु काल में उसका भाषा का विकास बिल्कुल निल होता है। स्टार्टिंग में वो जो भाषा उसकी होती है वो सिर्फ सिर्फ इशारों में रो के अपने भाव व्यक्त करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी भाषा का विकास होता है, वो छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू करता है और उसके बाद 2 to 7 ईयर्स में वो उसका भाषा का विकास पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और एज के बढ़ने के साथ साथ ये भाषा का विकास संपूर्ण हो जाता है। ये जो आयाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, जिनके बारे में हमने चर्चा की अभी, एक दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। एक का विकास दूसरे के विकास पे पूरी तरह से डेवलपमेंट है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है सॉरी। जैसे अगर आप फिजिकल की बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट, तो वो अगर आपका कॉग्निटिव या कोई विकास नहीं हो पा रहा है, आपका संज्ञानात्मक पर विकास नहीं हो पा रहा है, तो इसका असर फिजिकल में पड़ेगा। फिजिकल का यानी कि शारीरिक नहीं हो रहा तो उसका असर हमारे संवेगों पे भी पड़ सकता है, नैतिक विकास का असर वहाँ हमारे दूसरे विकास पे पड़ सकता है, सोशल अगर आप नहीं है तो उसका असर हमारे और विकास पे पड़ सकता है, भाषा के विकास से भी हमारे और विकास अवरुद्ध हो सकते हैं। तो सारे हमारे लिए सारे विकास जितने भी आयाम है विकास के वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें उसे बराबर इम्पोर्टेंस देनी होती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से कारक है जो ग्रोथ मतलब वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले आता है जेनेटिक, यानी कि हमें जो माँ बाप से हमें परिवार से जो गुण मिलते हैं, जिस समय हम जन्म लेते हैं हमारे हर व्यक्ति के साथ कुछ गुण होते हैं। कुछ जैसे बोला जाता है कि अगर पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, या जो माँ बाप में गुण होते हैं वो गुण बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे अगर माँ बाप का IQ 140 है, या वो क्रिएटिव है, या फिर बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये हम ये मान के चलते हैं कि उनका जो बच्चा होगा वो भी उतना ही होशियार होगा, उतना ही पढ़ने में अच्छा होगा। या फिर एक सेट पैटर्न है कि अगर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होता है या टीचर का बच्चा टीचर होता है, ऐसा माना जाता है। उसके अलावा फिर हमारा जो व्यक्तित्व बनता है वंशानुगत तो होता ही है, लेकिन उसके बाद जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, व्यक्तित्व पे जो प्रभाव पड़ता है वो है वातावरण से हमारे अंतःक्रिया की, हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो पीयर ग्रुप है कैसा है, हम कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं, क्या सीखते हैं, इन चीज़ों का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे एक पौधा होता है तो वो कैसी फैमिली से, उसका तो असर पड़ता है, लेकिन उसके बाद उसे किस तरह से उसका रोपण होता है, कैसे उसकी देखभाल होती है, कैसे उसकी बढ़ोतरी होती है, इस चीज़ का उसकी बढ़ोतरी पे उसके गुणों पे बहुत असर पड़ता है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि इन दोनों के अलावा वंशानुगत और वातावरण के अलावा कि ये कारक है सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि हम कैसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, कैसे सोसाइटी में रहते हैं। अब जैसे हम इंडिया में रहते हैं एक जगह, या फिर रूरल या अर्बन कैसे कैसी जगह पे रहते हैं, क्योंकि सबकी जो हमारी जो तारीख हर जगह मतभेद होते हैं, या फिर हमारे सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, रहने खाने का तरीका, वो सब एकदम अलग होता है। और हम मान लो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो उनका अपना एक अलग तरीका होता है जीवन जीने का, रहने हर चीज़ का, उसका हमारी पर्सनैलिटी पे, अब हमारी लैंग्वेज अलग है, सब चीज़ें अलग हैं, तो उसका हमारी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाती है। आपने देखा ही होगा कि यहाँ जैसे उन लोगों की पर्सनैलिटी हमसे अलग होती है,
फिर कुछ जगह ऐसा होता है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो एकदम चेंज होता है, तो उससे भी कुछ जगह के लोग को देखा है कि वो उनका नेचर पे और उनका कलर पे हर चीज़ पे ऐसे उन चीज़ों का असर पड़ता है। अब एक फिर होता है हमारा जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, यानी कि हम पुअर से बिलोंग, हम हमारी जो पेरेंट्स की जो इनकम है वो लो है, मतलब पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, या फिर हमारा मतलब कुछ लोग रिच होते हैं, तो इन चीज़ों से वो बहुत असर पड़ता है कि उन्हें, क्योंकि एजुकेशन उस पर डिपेंड करती है, हमारा खाना पीना रहना, हम कैसे दोस्तों से हम उसी अकॉर्डिंग मिल पाते हैं, क्योंकि जैसे एनवायरनमेंट पे, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे हम रहते हैं। फिर हमारी फैमिली, फैमिली का तो एक इंसान में ये जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सबसे पहला जो शुरुआत होती है एक व्यक्ति की वो परिवार से होती है। परिवार के बिना बोला जाता है कि व्यक्ति एक कदम भी नहीं चल सकता है। वही से बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसकी जो सोच है, वो पूरी तरह से उसका बीजारोपण वो परिवार करता है, उसे सपोर्ट करता है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हम विजुअल इम्पेयर्ड की बात करें या हमारा जो स्पेशल एजुकेशन है, तो परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है उसे आगे बढ़ाने में, एजुकेशन दिलवाने में, या फिर आगे सपोर्ट करने में कि नहीं तुम कुछ कर सकते हो, कुछ तुम कुछ बन सकते हो। और अगर, लेकिन अगर इन द कॉन्ट्रेरी अगर वो ऐसा कुछ कर दे, मतलब परिवार अगर सपोर्ट ना करे, तो बहुत बार या ये बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर या फिर वो नहीं समझ पाता या कि हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह से अलग हैं। तो ये परिवार का वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चे को पढ़ाने में। फिर इसके बाद एक इम्पोर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिशन, यानी कि खान पान का, हमारे के हम कैसा है, हमारा खाना पीना कैसे है, ये सब भी, जैसे हमने पहले से बात की थी कि वो जैसे आयाम एक दूसरे डिपेंडेंट है, ये सब अलग अलग कारक नहीं है, ये सब भी एक दूसरे से कोरिलेटेड है और इनका प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है और सभी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसे हम विस्तार पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूस होता है, मतलब बच्चा जब से जन्म लेता है तब से मृत्यु पर्यंत तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो डेवलपमेंट चलता रहता है। शारीरिक तो एक टाइम तक चले फिर भी रुक जाता है, लेकिन उसके बाद भाषा का विकास, भाषा विकास तब तक होता रहता है जब तक कुछ सीखते रहते हैं, और कुछ नया नया शब्द बहुत बार सीखते हैं, तो हमारा वो विकास मृत्यु पर्यंत तक चलता है। मैच्योरिटी के बाद हम हमारा ये सामग्री विकास और बढ़ता है, मानसिक विकास हम हो गया, तो ये सब चीज़ें ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस से जो लगातार चलती रहने वाली चीज़ है, जो कभी नहीं रुकती है जब तक व्यक्ति रहता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब डेवलपमेंट के होता कैसे है? ये होता है सामान्य से विशिष्ट क्रिया, मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो पहले वो सामान्य क्रिया सीखता है, जैसे हाथ पैर इधर चलाना और छोटे छोटे शब्दों को बोलना, लेकिन उसके बाद वो चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके स्किल्स डेवलप होते हैं, तो वो उसका जो जो क्रियाएं होती हैं वो जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्टीकरण की ओर अग्रसर होती है। फिर होता है, फिर उसके बाद है डेवलपमेंट लीड्स टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से हमारा मतलब एकीकरण, कि बच्चा पहले स्टार्टिंग में अपने हाथों को चलाना सीखता है, फिर उसके बाद वो उंगलियों से उंगलियों को चलाना सीखता है, फिर उसके बाद क्या करता है वो हाथों को, उंगलियों को, ये पूरे शरीर को धीरे धीरे वो एक साथ चलाना सीखता है। इसके बाद आता है सिद्धांत है सिफेलोकोडल एंड प्रोक्सिमल डिस्टल टेंडेंसीज। इसकी जो प्रिंसिपल्स है उसकी एक पार्ट है कि हमारा जो विकास है वो कैसे होता है, किस क्रम में होता है, उसका उसका पहला पार्ट है सिफेलोकोडल, यानी कि हमारा जो विकास होता है वो सर से पैर की तरफ होता है। पहले कोई भी बच्चा
कर्व संभालना सीखता है, गर्दन संभालना सीखता है, फिर उसके हाथों पे कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पैरों पे कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पकड़ के सहारे से खड़ा होता है, और सबसे बाद में वो चलना सीखता है, वो भी बिना सपोर्ट के। और उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल डिस्टल टेंडेंसीज। हमारा विकास जो होता है वो केंद्र से, यानी कि रीढ़ की हड्डी से, और उसके बाद वो बाहर की तरफ होता है, हाथ पैरों का विकास, पहले हाथ पैरों का विकास होता है और अंगों का विकास होता है, धीरे धीरे विकास होता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी। हेट्रोनोमी मतलब डिपेंडेंस। तो जैसे हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है अपने माँ बाप पे, अपने फैमिली मेंबर्स पे, दूध पीने से लेके हर चीज़ के लिए वो डिपेंडेंट होता है, उसे कुछ चीज़ चाहिए होती है तो वो रो रो के मांगता है। लेकिन जैसे जैसे उसका वृद्धि होती है, बच्चा बड़ा होता है, तो वो लेकिन धीरे धीरे स्वतंत्र होता चला जाता है, बाद में वो अपने काम खुद से करने लगता है, खाना खुद से लेना, बाहर जाना, पढ़ाई करना, क्योंकि पहले सब चीज़ें उसकी माँ कराती हैं, क्योंकि हर चीज़, इसलिए माँ को पहला गुरु भी कहा गया है, क्योंकि हर चीज़ वो पहले माँ से सीखता है। लेकिन धीरे 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 करके जैसे उसका डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ होती है, तो वो सब चीज़ें अपने आप करने लगता है। वैसे तो डेवलपमेंट का हमने बात की, एक सेट पैटर्न होता है सब लोगों में, लेकिन ये पैटर्न पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक पर्सन, जरूरी नहीं है कि हम एक इंसान का जिस तरह से हो रहा है से दूसरे इंसान का भी वैसे ही हो, या फिर एक जीव का जैसे हो रहा है दूसरे जीव का भी उसी तरह से हो। बहुत बार क्या होता है कि एक पर्सन की जो लैंग्वेज जिस तरह से बहुत जल्दी सीख लेता है, बहुत बार एक बच्चा दूसरे बच्चे से जल्दी चलना सीख लेता है, बैठना सीख लेता है, या फिर उसकी आईक्यू बहुत तेज होती है दूसरे से बच्चे से कंपैरेटिवली, तो उसमें वो चेंजेस होते हैं सब। इसीलिए जो डेवलपमेंट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि एक इंसान का जो डेवलपमेंट है, यानी कि विकास है, वो दूसरे के विकास से अलग होता है। अब विकास, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, यानी कि जो विकास है उसे हम उसके हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम व्यक्ति के, बहुत सारे बच्चे बचपन से जैसे स्टोरी सुनाते हैं, उनकी स्टोरी टेलिंग पावर, या फिर उनके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, उन जो माइल्ड स्टोन्स होते हैं, बहुत बार होता है कि वो बच्चे उनसे कम सीख पाते हैं, तो हम उसे उन्हें स्पेशली एबल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। और बहुत बार ऐसा बहुत बार होता है कि वो जितना जो माइलस्टोन है उससे ज़्यादा वो सीख लेते हैं, तो हम उसे उनकी आईक्यू के अकॉर्डिंग उन्हें ज़्यादा मतलब स्पेशल चाइल्ड जो टैलेंटेड या इंटेलिजेंट की उसमें रखते हैं कैटेगरी में, ठीक है। तो फिर हम उसी का अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करते हैं कि बच्चा टैलेंटेड है, या फिर वो उसे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, वो माइलस्टोन से कम है तो लर्निंग डिसेबल्ड भी हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है, हम उसके बारे में, आगे के बारे में उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट किसका उत्पादन होता है? जो हेरिडिटी यानी कि हमारे वंशानुक्रम और जो वातावरण, इन दोनों का आपस में प्रभाव होता है। जैसे हमारा जैसे मैंने पौधे का या फिर किसी भी इंसान का, किसी घर का अगर हम बात करें, तो उसका जो नींव होती है वो अगर जितनी मजबूत होगी उतना ही प्रभाव उसके, उतना ही अच्छा घर बनेगा। उसी तरह से वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि घर हम कैसा भी बना ले और नींव बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए, घर का घर एकदम बेकार मैटर से बना दे, मटेरियल से बना दे। दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, दोनों ही का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। जो एक बच्चे को जो गुण माता पिता से मिलते हैं वो डेवलप होते हैं एनवायरमेंट पे, यानी कि वातावरण में। लेकिन
वातावरण भी का असर भी तभी पड़ता है जब हमें वो गुण हमारे अंदर इनबिल्ट हो या फिर वो गुण हमें मिले हों। दोनों को एक दूसरे के बिना निष्प्रभावी है। दोनों तभी प्रभाव डालते हैं जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके या इनकी अंत्यक्रिया देख करके। फिर उसके बाद डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हमने अभी थोड़ी पहले बात की थी कि जो विकास होता है वो उसे मेजर करना इतना आसान नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। उसके लिए कुछ हमने कुछ टेस्ट बनाए गए हैं, उससे ही वो मेजर होता है कि IQ कितनी है। तो उसके लिए बेसलर का टेस्ट है, उसके अलावा EQ, आजकल एक EQ का भी टेस्ट होता है। बहुत सारे टेस्ट और रिसर्चेज होती हैं, PhD करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर बोला जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज के भी टेस्ट होते हैं, उसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे मेजर करते हैं। इसके लिए डायरेक्ट और इतना इजी नहीं होता ये। फिर आता है डेवलपमेंट एक सीधा नहीं होता है, मतलब एक लाइन की तरह नहीं होता है कि स्टार्ट हुआ बचपन से तो वो होता चला गया, ऐसा नहीं है। एक स्पाइरल की तरह होता है, जैसे बचपन में बहुत बहुत तेजी से होता है। और इसीलिए मोंटेसरी ने कहा है कि एक बच्चा वैज्ञानिक होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो पूछता है कि चांद इतना दूर क्यों है, या फिर वो ऐसे चमकता क्यों है, और ये कुछ भी, मतलब हर चीज़ के बारे में उसमें इतनी क्वेरीज होती है, इतने क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। और सबसे ज़्यादा वो इसीलिए शायद मोंटेसरी ने या फिर और जो भी वैज्ञानिक हुए हैं या फिर उन लोगों ने यही बोला है कि इस एज में बच्चा जो बहुत सारे, मतलब अंदर उसके बहुत सारे वो क्वारीज आती हैं उसके। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ये डेवलपमेंट है वो थोड़ा रुक जाता है, मतलब स्लो पड़ जाता है। लेकिन जो फिर जब एडोल्सन आता है तो उसके कुछ पीरियड में, उसके कुछ टाइम में फिर वो आगे बढ़ता है, फिर तेजी से बढ़ता है कुछ ईयर्स तक, क्योंकि उसमें ये जो एडोल्सेंस का टाइम होता है ये चेंजेस का बहुत बड़ा एक टाइम होता है। और इसमें फिजिकल, मेंटल, सोशली, सारे हर तरह के चेंजेस होते हैं। कैरेक्टर को लेके अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा इतना चेंजेस नहीं हो पाता है, या बच्चा बहुत कंफ्यूजन में आ जाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस पीरियड में, स्पेशली एडोलसन में, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की या फिर ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है जो उसे या ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है उसे बता सकें और समझा सकें कि क्या सही है क्या नहीं। तो इसके बाद जो डेवलपमेंट होता है इसके बाद लगातार नहीं हो पाता है। बीच में बहुत बार होता है कि ऐसा लगता है कि वो रुक गया है, बहुत बार ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो विकास होता है वो एक स्पायरल की तरह होता है, मतलब वो लाइनर नहीं होता है, रेखांकित तो नहीं, एक लाइन की तरह नहीं होता है, घटते बढ़ते रहता है। फिर अब जैसे हमने बात की कि क्या वृद्धि और विकास के बारे में बात की, लेकिन उसके क्या क्या इम्प्लीकेशन है, एजुकेशन यानी शिक्षा के उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, क्यों एक एक टीचर को किस तरह से वो मदद कर सकते हैं। और स्पेशली क्योंकि हमें एक स्पेशल एजुकेटर को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जान सकते हैं कि बच्चे का माइलस्टोन सही है या नहीं, हम उसे उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे का माइलस्टोन वो लेट हो, या फिर वो उस उसका डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। तो अगर बच्चे को अगर हमारे पता होगा हमें बच्चे के बारे में, तो हम उसकी उसी तरह से हेल्प कर पाएंगे। तो पहला है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, सो द टीचर शुड टेक कंटिन्यूस एफर्ट्स टू अचीव परफेक्शन इन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए टीचर को इसमें कंटिन्यूस, मतलब लगातार एफर्ट्स करने चाहिए,
किस तरह से बच्चे को के डेवलपमेंट के लिए विभिन्न आयाम के में, यानी कि शारीरिक हो गया, मानसिक, सामाजिक, भाषा से रिलेटेड, चरित्र से रिलेटेड, सामाजिक, हर तरह के जितने भी आयाम होते हैं उन पर लगातार काम करते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे का विकास होता रहे। और इस काम में शिक्षक की, एक अध्यापक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस, सो ईच चाइल्ड शुड बी हेल्प अलोंग द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड विद इन द स्फीयर ऑफ हिज इंडिविजुअल एबिलिटी। विकास एक व्यक्तिगत, पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रक्रिया है। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हर इंसान हर दूसरे इंसान से अलग होता है। जरूरी नहीं है कि जो एक इंसान बहुत इजीली सीख रहा है वो भी दूसरा इंसान भी वैसे ही सीख जाए, वो इतना वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें हर बच्चे के अकॉर्डिंग उसे सिखाना पड़ेगा, उसे उसे बताना पड़ेगा। सो ईच चाइल्ड शुड बी हेल्प अलोंग विद उसके व्यक्ति के, हम क्षमता के अकॉर्डिंग हमें एक टीचर को बताना चाहिए कि उसका डेवलपमेंट कैसे अच्छे से अच्छा हो सके उसके क्षमता के अकॉर्डिंग या एबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस, दिस नॉलेज हेल्प द टीचर टू प्लान लर्निंग प्रोसेस एंड अरेंज सुटेबली लर्निंग एक्सपीरियंस सो द अचीव मैक्सिमम गेंस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो विकास होता है वो एक क्रमिक विकास होता है, जैसे हमने अभी बात की थी 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, और ये एंड सो एंड सो ऑन, मतलब ये लगातार चलता रहता है। लेकिन इसका एक ऑर्डर होता है, एक पैटर्न होता है, उसी के अनुसार काम करता है। इससे इसे हमें एक टीचर को फायदा ही होता है कि उसे पता चलता है कि ये पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को, हमारा बच्चा सही सीख रहा है नहीं, उसमें सही विकास हो रहा है नहीं, वो बच्चा स्पेशली एबल्ड तो नहीं है। और वो मदद करता है एक अध्यापक को ये समझने में कि हमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से समझाना है। और वो फिर एक प्लान बना सकता है, जैसे कि हमारे स्पेशल एजुकेशन में एक बच्चे के लिए अलग से प्लान्स बनते हैं, पर्सनलाइज एजुकेशनल प्लान फॉर, तो उसके अकॉर्डिंग वो उनके बारे में जान के कोशिश कर सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे वृद्धि और विकास हो सके उस बच्चे के अंदर, वो कोशिश और वो लर्निंग एक्सपीरियंस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दे सके उसके, ये एक टीचर को बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये हमें तभी पता चल सकता है, एक अध्यापक को इसका तभी पता चल सकता है जब वो उसे वृद्धि और विकास के माइलस्टोन्स के बारे में ज्ञान होगा। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट, द नॉलेज क्वेश्चंस एंड टीचर नोट टू इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ पोस्ट ऑफ अनदर्स। जो हमारे विकास के जो जितने भी आयाम है, जैसे कि हमने बात की है, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल, मोरल, सोशल या फिर लैंग्वेज, ये सारे जितने भी डेवलपमेंट है वो एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। शारीरिक रूप से व्यक्ति अगर अक्षम है तो उसका असर उसके बाकी विकास पे पड़ेगा, अगर वो उसका आईक्यू कम है या वो लर्निंग डिसेबल्ड है तो उसका असर भी उसके बाकी विकास के आयामों पे पड़ेगा, वो बच्चा पिछड़ जाएगा, या फिर वो अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसका प्रभाव उसके बाकी भाषा विकास पे पड़ेगा, सामाजिक विकास पे पड़ेगा, उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक होगा। तो इसलिए वह एक टीचर को ये बात की कोशिश करनी कि किसी भी एक आयाम पे ध्यान ना करे, उसके जितने भी आयाम है विकास के सब पे ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि सभी का विकास उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ एक का नहीं। और एक बहुत बार ऐसा होता है कि एक भी हम निग्लेक्ट कर देते हैं, एक पे भी हमारा ध्यान हट जाता है तो उसका असर हम और बाकी बाकी पे पड़ता है और वो भी पिछड़ जाते हैं। ऐसे में हमें सब पे बराबर ही ध्यान देना चाहिए। फिर आता है
द प्रिंसिपल इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट्स रिमाइंड टीचर टू अरेंज फॉर द बेस्ट एनवायरमेंटल सेटिंग्स एक्सपीरियंसेस फॉर चाइल्ड सो दैट दे कैन डेवलप मैक्सिमम विद इन लिमिट्स ऑफ देयर जेनेटिक मिक्स. जो वृद्धि और विकास के जो प्रिंसिपल्स हैं, या फिर हमें एक टीचर्स को टीचर को वृद्धि और विकास के ज्ञान से क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो वृद्धि और विकास है पूरी तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर, तो यानी कि वंशानुक्रम या वातावरण पर डिपेंड करता है. इनके ही अंतःक्रिया से हमें वृद्ध हमारे व्यक्ति के अंदर या जीव के अंदर विकास होता है, वृद्धि होती है. और तब तक बच्चा तभी उसी अकॉर्डिंग सीख सकता है कि उसे कैसा वातावरण मिल रहा है या फिर उसकी अंश वंश वंशानुगत कैसे गुण हैं. इनकी अंतःक्रिया के बिना बच्चा कुछ नहीं सीख सकता है. और इसलिए पेरेंट्स को या फिर टीचर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों के मतलब कि वंशानुगत उसके गुण और जो वातावरण का आपस में अंतःक्रिया के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे सिखा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो समझा सके. क्योंकि बच्चा से अपने उसी लिमिट्स में जो क्षमता उसके अंदर है, क्योंकि एक कोई भी बच्चा कोई भी व्यक्ति अपनी अपनी लिमिट या फिर क्षमता के अकॉर्डिंग सीख सकता है. तो हमें इन दोनों की यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया के द्वारा उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे सिखाना है, उसे समझाना है और उसकी लर्निंग के उसे और उसकी कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है. द गोल ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस इज दैट टू एनेबल द पीपल टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट इन विच दे विकास. और डेवलपमेंट चेंज का जो हमें नॉलेज, इससे हमें फ़ायदा ये भी होता है कि हम बच्चे को ये समझा सकते हैं कि जिस वातावरण में वो जीवन जी रहा है या फिर जिस समाज में हम रह रहे हैं, तो वो उसके आसपास के वातावरण के साथ वो कैसे समाहित हो सके, उसमें कैसे अडेप्ट कर सके उसके साथ, और वो आसपास के लोगों के साथ कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंतःक्रिया कर सके, वो चीज़ें हमें एक टीचर सिखा सकता है. और ताकि बच्चा जब तक जब वहाँ पे समायोजित हो जाएगा तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा निखार सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं. लेकिन उसके लिए उस वातावरण में उसे पूरी तरह से अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. मैचुरेशन, अब इसका मैचुरेशन डेवलपमेंट पे मैचुरेशन और लर्निंग प्रोसेस का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. जैसे जैसे बच्चा जैसे वो डेवलपमेंट होता है, जितना बच्चा मैच्योर जितना ज़्यादा होता रहेगा, और मैच्योरिटी के लिए लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे बच्चा सीखता है और उसकी वो उसके अंदर मैच्योरिटी बढ़ती रहती है, मैच्योरिटी के साथ साथ उसका डेवलपमेंट बढ़ता रहता है. तो उसमें भी एक टीचर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है इसके एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के अकॉर्डिंग. थैंक यू.